दोस्तों क्लास 9th के फिजिक्स में चैप्टर 9 है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा हुआ है उदाहरण, तो इसको जो है सॉल्व करना है इस वीडियो में उदाहरण। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें उदाहरण में है कि 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 150 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, यानी कि 2 kg के एक पिस्टल है, पिस्टल का जो द्रव्यमान है वह 2 kg है और पिस्टल से जो गोली का है 20 ग्राम है। अब द्रव्यमान की गोली, अब जो है इसमें गोली जो है 150 मीटर पर सेकंड की वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने का परिकल्पना कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे गोली जो है, गोली का द्रव्यमान जो है जो दिया हुआ है, हम इसको केजी में बना लेते हैं, गोली का द्रव्यमान जो है 20 ग्राम है तो इसको जो है केजी में बना लिया जाता है, तो ये 0.02 ग्राम आ गया दोस्तों इसमें, और पिस्टल जो है 2 kg है M1 M2। तो गोली का प्रारंभिक वेग मान लीजिए आपका U1 है तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग U2 है, क्रमशः 0 है, दोनों का प्रारंभिक वेग जो है क्रमशः 0 है। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि U1 - U2 अर्थात U1 - U2 को क्या होगा, ये 0 है, यानी U1 - U2 0 है। गोली का अंतिम वेग क्या है आपका, V1 इतना है, पॉजिटिव है, और गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार जो है ली गई है। इसमें जो है पिस्टल का जो है, माना कि पिस्टल का प्रक्षेपित वेग V है, गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग, तो इसका जो है कुल संवेग जो है हम निकाल सकते हैं, इसका संवेग इतना प्लस इतना kg और गुड़े 0, इसका वेग 0, यानी कि कुल मिला जाएगा कि 0 ये आ जाएगा कुल संवेग, गोली छूटने के बाद संवेग, यानी गोली छूटने के बाद जो संवेग बन रहा है इसमें ये इतना आ जाएगा। तो ये जो संवेग है ये जो है गोली छूटने के पहले का है, संवेग, संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग जो है संवेग हो गया। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद जो है कुल संवेग और गोली छूटने के पहले का कुल संवेग जो है आपका बराबर होगा, गोली छूटने के पहले कुल संवेग और गोली छूटने के बाद कुल संवेग बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बाद में जो है गोली छूटने के बाद जो संवेग आ रहा है 3 + 2 kg/s, यानी कि इतना आ रहा है, इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि हमको दोस्तों ध्यान रखना है, हमको निकालना है पिस्टल का जो है वेग जो है उसके विपरीत दिशा में जितना जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप जान सकते हैं कि गोली छोड़ने के बाद जो है संवेग जो है एक गोली का जो है संवेग और प्लस इतना इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है और प्लस 2 kg जो है गुड़े 2 kg का जो इसका हमें वेग निकालना है कि इसका वेग कितना होगा। तो इसको भी मान लिया मीटर पर सेकेंड, तो 3 + इतना और इसके संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों बराबर होगा, तो 3 + 2 = 0 यानी v = 1.5 m/s² जो है इसका वेग होगा, यानी कह सकते हैं कि 1.5 m/s के वेग से जो है ये इसकी विपरीत दिशा में जाएगा, यानी झटका देगा, कह सकते हैं। मतलब ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाएं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है प्रक्षेपण से पहले और प्रक्षेपण के बाद। तो यह देखिए इसका वेट 2 kg है, इसका 20 ग्राम है, इसका वेग इधर मारेगा और इसका वेग जो है इधर मारेगा, पिस्टल का प्रक्षेपण। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर उदाहरण 9.7 है, 40 kg द्रव्यमान वाली एक लकड़ी
40 केजी द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज वेग से एक 3 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है, यानी 3 केजी स्थिर द्रव्यमान वाली गाड़ी पर कूदती है, 40 केजी द्रव्यमान है लड़की का और 5 मीटर के वेग से जो है क्षैतिज वेग से एक 3 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, गाड़ी की प्रति जो है गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, लड़की का वेग क्या होगा। मान लेते हैं कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बाह्य बल नहीं कार्य करता है, तो क्वेश्चन कैसे समझ लिया जाता है दोस्तों, 40 केजी द्रव्यमान वाली एक लड़की है, 5 मीटर की क्षैतिज वेग से इसका वेग जो है प्रारंभिक वेग जो है उसका 5 मीटर पर सेकंड है और 3 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती, गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, गाड़ी की प्रारंभिक यानी कि अवस्था में लड़की का वेग गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में यानी कि उसका प्रारंभिक वेग है और उसका अंतिम वेग जो है तो निकालना है। तो गाड़ी की जो है हम कह सकते हैं कि गाड़ी का जो है प्रारंभिक वेग 0 है, यहाँ पे गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग 0 मान सकते हैं और अंतिम वेग जो है निकालना रहेगा। तो लड़की का वेग क्या होगा, मान ली क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो ये देखो स्थिति बन रहा है, यानी 5 मीटर पर सेकंड के इसके वेग 40 किलोग्राम है ये और ये कोई गाड़ी है 3 के जी का, अब जो है इस पर एक कूदती है तो इसका जो है हमको वेग निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़की तथा गाड़ी का लड़की कूदने से पहले कुछ संवेग, यानी लड़की तथा गाड़ी का लड़की के कूदने से पहले जो संवेग प्रारंभिक वेग, क्योंकि इनका प्रारंभिक वेग जो है दोस्तों देखिए इनका प्रारंभिक वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड था लड़की का और उसका द्रव्यमान जो है 40 है, तो 40 गुणे 5 ही हो जाएगा इसका संवेग और प्लस जो है जो गाड़ी का वेट जो है 3 केजी है और इसका वेग हम आपको बताएं इसका वेग क्या है 0 है, इसका वेग 0 है तो उसके बाद जो है ये हमारा निकल गया 200 केजी मीटर पर सेकंड इसका संवेग निकल गया, यानी कि गाड़ी के कूदने से पहले संवेग। अब माना लड़की की गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग, यानी गाड़ी तथा लड़की का वेग क्या होता है वी हो जाता है, यानी कि लड़की उस पर कूद जाती है तो कुछ ना कुछ तो वेग होगा, जो वेग होगा वो दोनों का वेग होगा। इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का जो वेग होगा कुल संवेग निकालेंगे, इसका संवेग देखिए 40 जो है प्लस 3 इसे 43 के जी यानी कि वी यही निकालना मीटर पर सेकंड, अब 43 वी मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम जो है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान रहता है, अर्थात कह सकते हैं 43 वी बराबर 200 और वी बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ध्यान रखना क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो है ये ज़्यादा बल लगा रहा है तो उस डायरेक्शन में कूद जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉल्व करने पे जो है ये आ जाता है 4.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गाड़ी पर सवार लड़की जो है इतने मीटर पर सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी, यानी छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। तो दोस्तों उदाहरण 9.8 है, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का जो द्रव्यमान क्या है 60 केजी है तथा वह 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, तो वह 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, यानी जो पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान क्या है 60 केजी है और वह जो है 5.0 मीटर के वेग से गति में था, चलिए इसका गति जो है इतना था। उसके बाद जो है दूसरा खिलाड़ी जो है जिसका द्रव्यमान क्या है 55 है, यानी कि इसका 55 केजी तथा जो है वेग के वेग से पहले गति खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था, यानी टकरा कर गुजरने के बाद वो किस दिशा में गतिमान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए प्रॉपर्टी वही संवेग संरक्षण का लगेगा, माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं ओर दौड़ रहा है तथा प्रॉपर्टी के अनुसार बाएं से दाएं के गति की दिशा धनात्मक तथा बाएं से
दाएं से बाएं गति की दिशा को ऋणात्मक मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक जो है यम तथा यु दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक राशि अलौकिक संख्या एक दो क्रमशः। अब देखिए इसमें जो है अतः हम कह सकते हैं यमन बराबर इतना, यू टू बराबर इतना, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी कि इसको पहले वाले को हम मान लेते हैं पॉजिटिव मान लेते हैं और यम टू जो है इसको निगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे टक्कर से पहले दोनों का खिलाड़ियों का कुल संवेग जो है, टक्कर से पहले जो है खिलाड़ी का जो है कुल संवेग क्या है, 60 गुणे इतना प्लस 55 गुणे इतना माइनस, यानी कह सकते हैं माइनस के जी मीटर, 30 के जी मीटर पर सेकेंड जो है इसका आ रहा है। यानी कि दोनों का जो संवेग है, हम कुल संवेग को जोड़ देते हैं और जो है यहाँ पे माइनस 30 के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आ गया। तो माना दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर वेग भी है। अब यहाँ पे जो है दोनों को जो है मान लिया गया है टकराने के पश्चात, अब जैसे टकराने के पहले का संवेग जो है निकल चुका है माइनस 30 के जी मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद मान लेते हैं दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात जो है वी है टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो यहाँ पे जो है देखिए स्थिति जो है यही बन रहा है, यही स्थिति बन रहा है, ठीक है। अब टकराने के बाद जो है संवेग क्या होता, दोनों को जोड़ लेंगे तो यानी m1 प्लस m2 गुणे b, यानी कि दोनों का जो है संवेग मान लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो है अगर जो कोई के वेग अलग अलग है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे m1 और m2 गुणे b यानी कि इतना हो गया, यानी कि 115 गुणे b। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है टकराने के पहले टकराने के बाद जो है संवेग क्या है बराबर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तथा बाद के संवेगों की समानता से यानी कि बी कह सकते हैं इतना, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस 2.26 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेग जो है उस निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 2.26 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील होंगे, यानी दोनों खिलाड़ी जो है गतिशील होंगे, कहने का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये तीसरा जो है प्रश्न जो है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक 50 केजी द्रव्यमान की गोली जो है 40 केजी द्रव्यमान की राइफल से कितना मीटर 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए, यानी राइफल के प्रारंभिक जो है प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी 50 ग्राम की जो गोली है, 50 ग्राम की जो है गोली है और द्रव्यमान की गोली है और 4 केजी का द्रव्यमान का राइफल है से 35 मीटर पर सेकंड के वेग प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो यहाँ पे राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग की गति, तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब दोनों का जो है संवेग जो है कह सकते हैं बराबर होगा। तो संवेग की स्थिति में जो है यहाँ पे देखिए यानी कि राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए, प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं 50 द्रव्यमान की गोली जो है 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है तथा राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों जो संवेग जो है बराबर होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 50 केजी ये है और इसका वेग जो है द्रव्यमान की राइफल से इतना मीटर के वेग से छोड़ी जाती है, यानी कि इसको जो है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, यानी 1000 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं 50 इतना बटे 1000 गुणे ये आपका जो है 35 20 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 35/20 ये इसका संवेग हो जाएगा और बराबर जो है यहाँ पे इसका हम कहेंगे 4 केजी जो है राइफल जो है राइफल का 4 केजी जो है जुड़े इसका बी हमको निकालना है दोस्तों। तो कहने का मतलब आपका जो बी निकालना है तो ये आपका आ जाएगा यानी कि 35/20/80 यानी इतना, यानी कि कुछ दशमलव में आपका आएगा इतना जो है मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग जो आएगा इस निगेटिव डायरेक्शन में। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है
एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोली का द्रव्यमान जो है क्या दिया है, गोली का द्रव्यमान 50 केजी यानी कि इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए। गोली का प्रारंभिक वेग U1 यानी गोली जो है कि प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है। गोली का अंतिम वेग 35 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। राइफल का द्रव्यमान जो है M2 4 केजी दिया हुआ है। राइफल का प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है दोस्तों। हमारा राइफल का अंतिम वेग जो है V2 मीटर पर सेकंड है। अब गोली छूटने से पहले गोली तथा राइफल का संवेग जो है M1 U1 प्लस M2 U2 यानी आ गया आपका 0। उसके बाद जो है अब गोली छूटने के बाद यानी गोली छूटने के बाद जो है गोली छूटने के बाद गोली तथा राइफल का कुल संवेग जो है यहाँ पे आ रहा है M1 V1 प्लस M2 V2 यानी निकालने पे जो है यहाँ पे M1 का वैल्यू दिया हुआ है, V1 35 है और उसके बाद M2 4 है और V2 जो है नहीं पता, उनको हमको निकालना है। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने से पहले कुल संवेग और गोली छूटने के बाद कुल संवेग जो है बराबर होता है। अब देखिए 0 बराबर इतना हो गया तो V2 की गणना करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा 1.75/4 यानी कि इतना आ जाएगा दोस्तों। अतः राइफल का प्रक्षेपित वेग जो है इतना, राइफल जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जो है इतने वेग से जो है छूटेगा दोस्तों। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं, दोनों वस्तुएं जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग जो है इतना हो जाता है और दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करना है दोस्तों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम इस पे लगेगा। देखिए पहली वस्तु का द्रव्यमान जो है इतना है, उसके बाद दूसरे पहले वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग इतना है, पहली वस्तु का अंतिम वेग क्या है इतना दिया हुआ है, दूसरी वस्तु का अंतिम वेग जो है इतना है, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है इतना है, उसके बाद माना दूसरी वस्तु का अंतिम वेग क्या है इतना है। अब टक्कर से पहले दोनों का वस्तुओं का कुल संवेग क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2 यानी ये यानी कि आ गया 10.4 केजी मीटर पर सेकंड आ गया। और टक्कर के पश्चात वस्तुओं का कुल संवेग जो है इतना हो जाएगा, निकलने के बाद जो है इतना हो जाएगा यानी V2 इसमें शामिल है। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम जो है इस पर लग रहा है, टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होता है, दोनों को बराबर कर देंगे दोस्तों तो सॉल्व करने पे जो है आपका आ जाएगा कि दोनों 1.65 मीटर पर सेकंड जो है दूसरी वस्तु का वेग जो है इतना आ जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।